एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है आपको, देखो अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक सर्वे किया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के अंडर, तो उसमें उन्होंने कुछ डाटा कलेक्ट किया है, वो लिखा हुआ है इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। मतलब 20 हाउसेज में कितने प्लांट्स हैं उसका एक डाटा इकट्ठा किया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, आपको क्या निकालना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। ठीक है, ये देखो ये जो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर इसको समझना है आपने, ये ग्रुपिंग में दिया हुआ है डाटा। जैसे जीरो से टू प्लांट्स कितने हाउसेज में, एक हाउस में, मतलब एक हाउस ऐसा है, टोटल कितने हाउसेज हैं 20 में से एक हाउस ऐसा है जिसमें से जीरो से दो प्लांट लगे, तो उसमें जीरो भी हो सकते हैं प्लांट्स या वन भी हो सकता है प्लांट। ठीक है, इसी तरीके से 20 हाउसेज में से दो हाउसेज ऐसे हैं जिनमें 2 to 4 प्लांट्स हैं। समझ रहे हो, 2 to 4 का मतलब क्या होगा, किसी में दो होंगे किसी में तीन होंगे प्लांट, या दोनों में ही दो दो होंगे प्लांट। क्लियर। फिर एक घर ऐसा है जिसमें 4 to 6 प्लांट्स हो सकते हैं, 5 ऐसे हैं जिसमें 6 to 8, मतलब ये ग्रुपिंग दी हुई है 6 to 8 की। ठीक है ना, 5 ऐसे घर हैं जिसमें 6 to 8 है, किसी में 6 होंगे किसी में 7 होंगे। क्लियर। ऐसे ही 6 हाउसेज के बारे में बताया हुआ है 8 to 10 हैं प्लांट्स, 2 हाउसेज के बारे में 10 to 12 हैं, और 3 हाउसेज के बारे में बताया 12 to 14 प्लांट्स हैं। तो इस तरीके से ये डाटा दिया हुआ है आपको। ठीक है, और ये जो टोटल हाउसेज हैं कितने हैं 20 हैं, यहाँ इसने 20 बोला था, और इनको भी अगर आप काउंट करोगे तो ये 20 हाउसेज होंगे। ठीक है, तो हमें मीन निकालना है। लिखा हुआ है इसमें विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। देखो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे मीन निकालने के लिए, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मीन निकालने के 3 मेथड है। क्लियर, कौन कौन से मेथड है, एक तो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर, और थर्ड वन आता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड है, तो उसमें से पूछ रहा है ये आपसे कि कौन सा यूज करें इसके लिए। ठीक है, तो देखो मैं इस क्वेश्चन में आपको तीनों करके दिखाऊंगा, तीनों से आंसर तो हमारा सेम है क्योंकि मीन निकालना है, मीन तो सेम ही होना है। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि यही है, एक ही है, तो इसी क्वेश्चन को मैं इन तीनों मेथड से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और ये बाद में देखेंगे कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए इसको निकालने के लिए। ठीक है, देखो पेपर में आपको या तो मेंशन करेगा कि इसी पर्टिकुलर मेथड से आपको निकालना है, ठीक है, तो उससे निकाल लोगे, नहीं तो अगर उसने बोला कि एनी मेथड या कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोला मीन निकालना है, ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा मेथड यूज करें कि इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो तो इसमें पहले हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है हमें, नंबर ऑफ प्लांट्स, इस तरीके से ये हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, देखो 0 से 2 है, 2 to 4 है, 4 to 6 हैं, 6 to 8 हैं, 8 to 10 हैं, 10 to 12 हैं ये हमारे पास, और फिर ये 12 to 14 है। क्लियर, और फिर उसके बाद देखो हमारे पास ये नंबर ऑफ हाउसेज हैं, नंबर ऑफ हाउसेज देखो कितने हैं, ये 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5, 6, 2, 3, इस तरीके से आप बना लोगे ये। ठीक है, अब देखो मीन इन प्लांट्स का निकालना, ये तो प्लांट्स हो गए। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ हाउसेज जो दिए हैं और इनका टोटल भी हमें पता है कितना है, ये 20 है। क्लियर, 20 है ये टोटल, तो ये नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं ये हमारे पास हो जाएगी फ्रीक्वेंसी FI, इसको हम क्या बोलते हैं FI। क्लियर, अब देखो जब हम मीन निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड से, मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल लेंगे इसको, हम x बार से लिखते हैं मीन को। ठीक है, दिख रहा है ये, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। समेशन क्या होता है कि FI और XI को मल्टीप्लाई करके जितनी भी टर्म होंगी उन सबको ऐड करो, और FI मतलब क्या है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको ऐड करो, और ये तो हमें पता ही है ये सारी फ्रीक्वेंसी है, इन सबको ऐड करके हमारे पास पता चला है हमें कितना है 20 है, और ये गिवन भी था कि टोटल 20 हाउसेज हैं। ठीक, तो देखो इसमें ये XI क्या है, अब ये XI जो होता है ये क्या है हमारे पास, देखो XI जो है हमारे पास ये होते हैं क्लास मार्क्स, ये XI कैसे निकलते हैं, देखो यहाँ पर ये जो प्लांट दिए हुए नंबर ऑफ प्लांट्स, ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, ये होते हैं क्लास इंटरवल्स, क्या होते हैं ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स, इस तरीके से दिए होंगे जब भी ये 0 से 2, 2 to 4 इस तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लास इंटरवल्स, तो क्लास इंटरवल्स, और ये है क्लास मार्क्स जो XI निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है हमारे पास, अपर प्लस में लोअर, मतलब अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 होता है XI। ठीक है, तो यहाँ हम XI निकाल लेते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं ये क्लास मार्क्स क्या है, ये हमारे पास XI है। क्लियर, तो ये निकाल लेंगे, देखो अब XI 0 और ये 2 है। ठीक है, तो यानी कि देखो अपर ये है लोअर ये है, तो 2 प्लस में 0 दिख रहा है डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2 by 2 1 आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे ये 4 plus 2 6 6 डिवाइड बाई 2 3 6 plus 4 10 10 डिवाइड बाई 2 5। क्लियर हो रही है ये बात, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल ईजी है कहानी या नहीं। ठीक है,
ऐसे ही है, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 डिवाइड बाई 2 7, 10 प्लस 8 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9, 12 प्लस 10 इज 22, 22 डिवाइड बाई 2 इज 11, समझ रहे हो ये सब। और 14 प्लस में 12 कितना हो गया है हमारे पास 26, 26 डिवाइड बाई 2 इज 13, क्लियर है। अब देखो फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, एफ आई एक्स आई है, तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो ये एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 2, 3 ज़ा 6, 1 इंटू 5 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 6 9 ज़ा 54 एंड 2 इंटू 11 इज 22 एंड 13 3 ज़ा 39, कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लो आप, देखो ऐड करते हैं इनको, देखो यहाँ से ये 1 और 6 7, 7 और 5 इज 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 इज 32, तो ये 2 लगा दिया हमारे पास, ठीक है। 3 कैरी इसमें ऐड करेंगे, देखो 3 और 3 कितना हो गया हमारे पास 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, तो ये 162 आ गया हमारे पास, कितनी बात समझ में आई है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं यहाँ पर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समेशन दिया हुआ है एफ आई एक्स आई का, जो एफ आई एक्स आई निकला है उन सबको ऐड करो, तो ऐड करके कितना आ गया 162, और फ्रीक्वेंसी नीचे ये एफ आई टोटल कितनी है 20 है, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई है, तो ये टोटल है इसका फ्रीक्वेंसी का, तो कितना आ गया ये यहाँ पर 20, देख लो अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 81 बाई 10 आ रहा है, 81 बाई 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8.1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मीन आ गया हमारे पास कितना 8.1। अब अगर आपको याद है क्लास 9th में भी हम इस तरीके से करते थे, अगर याद है 14.4 एक्सरसाइज क्लास 9th की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 था सैलरी वाला, ठीक है, उसमें लेकिन हमें ये एक्स आई नहीं निकालना पड़ता था, जैसे यहाँ ये क्लास मार्क्स निकालने पड़ रहे हैं ना, वहाँ पर ये पहले से ही गिवन होता था, क्योंकि वहाँ पर जो ये डाटा होता था ये वाला, ये इस तरीके से नहीं होता था ग्रुपिंग में, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा होता था, वो नॉर्मल लिखा होता था सैलरी ऑफ वर्कर्स, ये अगर याद है आपको, ठीक है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देते थे और ये आंसर निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ रहा है हमें डायरेक्ट मेथड में, पहले एक्स आई निकालना पड़ रहा है, क्योंकि डाटा इस तरीके से गिवन है, क्लियर है, तो एक्स आई पहले बताना पड़ रहा है, फिर एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर क्लास 9th में आता तो ये एक्स आई ऐसे ही गिवन होता था, ठीक है। एक ही क्वेश्चन था 14.4 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 9th में, ठीक है, ये समझ में आया डायरेक्ट मेथड। अब देखो करते हैं हम इसका एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन को देखते हैं यहाँ पर करते हैं, देखो जी एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो, कि क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ये एज्यूम्ड मीन के लिए, एक्स बार ये होता है आपके पास ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। अब देखते हैं ये ए क्या है यहाँ पर, ये डी आई क्या है, ठीक है, देखो सबसे पहले वैसे ही टेबल बना लेना आपने यहाँ पर, देखो जी नंबर ऑफ प्लांट्स था, ठीक है, वैसे ही लिखना, मैं क्यों अलग अलग लिख रहा हूँ कि अलग से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है, तो ये सारी कहानी आपको पता चल जाएगी, 0 से 2 है ये, 2 to 4 है, 4 to 6 है, 6 to 8 है, 8 to 10 है, 10 to 12 है और 12 to 14 है, ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेज, तो नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ हाउसेज ये क्या थे हमारे पास 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 इस तरीके से लिख रहे हैं, और इन सब का टोटल कितना था हमारे पास 20 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, ये डी आई है फॉर्मूले में, ठीक है, ये डी आई क्या है, डी आई है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस किसके बीच में है, डी आई क्लास मार्क्स और जो एज्यूम्ड मीन निकलेगा आपके पास वो, ये ए क्या होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन, ये कहाँ से आता है, जब हमारे पास एक्स आई निकलता है उसकी मिड वैल्यू लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन में, ठीक है, तो डी आई क्या है डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे एक्स आई, एक्स आई क्या होता है हमारे क्लास मार्क्स, तो यहाँ लिखते हैं हम क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या है हमारे ये एक्स आई और ये क्या था हमारे पास एफ आई, तो एक्स आई हम ये निकाल ही चुके हैं ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये सेम ही होंगे, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये 13, पता है आपको कैसे निकालते हैं, ये वाले दो जो है हमारे पास क्लास इंटरवल्स, ठीक है, इनमें ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 करते हैं, ठीक है, तो सबको ऐसे करके निकाल दिया हमने। अब देखो इसमें से इसकी मिड वैल्यू देखो, ये टोटल कितनी टर्म्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 है, तो मिड वैल्यू ये वाली बनेगी इसकी, क्यों, 3 ऊपर से छोड़ो 3 नीचे से छोड़ो तो ये बनेगी वैल्यू, ठीक है, तो ये मिड वैल्यू हमने ले ली है। अगर मान लो हमारे पास ये 8 टर्म्स होती तो बीच की 2 टर्म्स बनती ना, तो उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं हम एज्यूम्ड मीन, ठीक है, जब आएगी तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख लो अब हमारे पास ये डायरेक्टली पता चल रहा है हमें कि ये ए बन रहा है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है, एज्यूम्ड मीन ए ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो
ये चीज़ पता चल गई हमें। अब डी आई क्या है हमारे पास, ये डिफरेंस है। डी आई कैसे निकलता है, ये एक्स आई माइनस में ए। तो देखो एक्स आई क्या है, 1, और ए है हमारा 7। यहाँ पर देखो, यहाँ करके दिखाता हूँ एक टर्म के लिए। देखो डी आई निकाल रहा हूँ मैं, एक्स आई कितना है, 1 है माइनस में, और 7 ये ए है, तो कितना आ गया ये, माइनस का 6 आ गया। समझ पा रहे हो या नहीं बताओ बात को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, माइनस का 6, फिर 3 माइनस 7 इज माइनस का 4, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 7 माइनस 7 0, और ये ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले केस में देखो, ये एक्स आई ये बन रहा है और ए भी यही है, तो 0 आया है। ठीक है, फिर एक्स आई माइनस ए करना है, तो 9 माइनस में 7 इज 2, 11 माइनस में 7 इज 4, एंड 13 माइनस 7 इज 6। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एफ आई डी आई है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ आई डी आई करते हैं। समझ में आ रही है कहानी या नहीं बताओ। तो यहाँ पर हम एफ आई डी आई करते हैं, एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना। ये एफ आई है 1, और डी आई ये है 1 × −6 माइनस का 6, 2 × −4 4 × 8 तो ये माइनस का 8, 1 × −2 माइनस का 2 आएगा, 5 × 0 0, 6 × 2 6 × 2 = 12, एंड 2 × 4 = 8, एंड 3 × 6 = 18। कितनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। क्लियर है, अब देखो जरा यहाँ पर समेशन है एफ आई डी आई का, तो समेशन एफ आई डी आई है, तो मतलब इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डी आई जो है, ये मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे। ठीक है, डी आई का आपको फॉर्मूला तो पता चल ही गया है, क्या होता है, एक्स आई माइनस में ए होता है। ठीक है, डिफरेंस। तो देखो एफ आई डी आई का समेशन है, तो मतलब इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो माइनस का 6 माइनस का 8 कितना होगा, माइनस का 14, माइनस का 14 और माइनस का 2, माइनस का 16 हो गया, ये माइनस का 16 हो गया। क्लियर, अब इनको कर लो, 0 ऐड करेंगे तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको ऐड करो, 12 + 8 20, 20 और 18 इज 38, तो ये प्लस का 38 आ गया हमारे पास। कितनी बात समझ में आई है, तो -16 प्लस का 38, तो प्लस माइनस 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 करेंगे, 38 में 16 माइनस करो, ये 2 और ये हमारे पास 2, 22, तो प्लस का ये 22 आ गया हमारे पास। क्लियर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये 22 आ गया है। ठीक, अब देखो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। देखो ए हमने पता किया था कितना था, ये ज्यूम्ड मीन 7 था, तो यहाँ 7 लिखते हैं। समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आ गया हमारे पास, 22, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है हमारे पास, ये 20 है। समझ रहे हो, तो ये देखो 2 1 2 1 और 2 1 0, तो ये देखो कितना बन गया, ये इधर से 7 + 11/10 को मैं लिख सकता हूँ 1.1, तो कितना बन गया ये, 8.1 आ गया हमारे पास मीन। ठीक है, तो ये मेथड कौन सा था, एज्यूम्ड मीन वाला, और मीन हमारा कितना आ गया 8.1, और ये वही है जो कि हमने डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था। कितनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। क्लियर है, ठीक है, अब इसी तरीके से हम स्टेप डेविएशन मेथड भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर कराता हूँ मैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड, आपको स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, देखो यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। देखो जो एक्स बार होगा हमारा वो होता है फॉर्मूला ए प्लस में एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई आ जाता है अब यहाँ पर, और समेशन ऑफ नीचे एफ आई आ जाता है। ठीक है, ए आपको पता ही है क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एच क्या है यहाँ पर, क्लास साइज। क्लास साइज कैसे पता चलता है, जो क्लास इंटरवल होते हैं उनमें डिफरेंस कितना है, वो हमारा क्लास साइज होता है। ये एच क्या है हमारे पास, क्लास साइज है। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये वही है एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और एच क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्लास साइज। समझ रहे हो, और ये यू आई क्या है, यू आई की देखो कोई फुल फॉर्म तो नहीं है, ये एक तरह का वेरिएबल है, वेरिएबल है, और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डी आई अपॉन में एच। डी आई आपको पता है डिफरेंस बिटवीन दैट एक्स आई एंड ए, वो होता है हमारा डी आई, और एच अभी आपको बताया मैंने क्लास साइज होता है। तो इस तरीके से यू आई निकलता है। इससे क्या होगा, जब जब यहाँ एफ आई यू आई करेंगे तो ये बहुत ही छोटी इज वैल्यूज हो जाएंगी यू आई की वजह से, क्योंकि यू आई यहाँ से जो आएगा बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि डी आई पहले था हमारे पास, तो एफ आई डी आई करके कुछ थोड़ा बड़ा टर्म आ रहा था, अब एच से डिवाइड भी कर रहे हो उसको, तो ऑब्वियस सी बात है छोटी वैल्यू होगी, तो यू आई छोटा होगा, तो एफ आई यू आई, तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा करना आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले हम यही बनाते हैं, इसमें कॉलम्स, नंबर ऑफ प्लांट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्या थे, 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, ये हैं। फिर हैं हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, एक ही क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करवा रहा हूँ ये। ठीक है, 1 2 1 5 6 2 3, और टोटल इसका कितना है हमारे पास, 20 है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एफ आई है। क्या है ये, एफ आई है। क्लियर है,
अब देखो जरा, यहाँ पर हमें चाहिए डी आई। डी आई क्यों चाहिए? क्योंकि यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई बाई एच। तो एच कितना है इसमें, पहले तो एच पता कर लो। देख लो क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, क्लास इंटरवल्स में देखो जरा कितना गैप है। 2 माइनस 0 2 का गैप है, 4 माइनस 2 2 6 माइनस 4 2, तो 2 का है गैप। ठीक है, तो यानी कि क्लास साइज कितना है इसका, 2 है। तो एच हमें पता चल गया 2 है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो डी आई हमें निकालना है, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स आई माइनस ए। अगर हम यहाँ देखें, डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए और ये अपॉन में एच, ये चीज होगी या नहीं? तो यानी कि सबसे पहले हमें इसमें एक्स आई चाहिएगा, वहां से ए भी निकल जाएगा और फिर हमारा डी आई भी आ जाएगा। समझ पा रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, तो यानी कि ये देखो, अभी ऊपर मैंने ये एक्स आई भी निकाला था यहाँ पर, और ये डी आई भी निकाला था, तो ये टर्म्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर क्वेश्चन आया स्टेप डेविएशन से तो फिर ये आपको करके दिखाने पड़ेंगे। ये तो हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ऊपर से मैं वैल्यूज उठा लेता हूँ यहाँ से। देखो एक्स आई क्या है हमारा, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या है एक्स आई, ये आया था हमारा 1 3 5 7 9 11 13। ये आपको पता भी है कैसे करते थे हम, ये यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये क्लास मार्क्स निकल जाते थे एक्स आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स आई निकल गया, तो डी आई हमें पता है कैसे निकलता था, एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए से हमने अभी ऊपर किया था, एक्स आई ये है और ए हमारा इसमें ये बनेगा मिडिल टर्म। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 7 माइनस 6, ऐसे ही -4 -2 0, ये ऊपर मैंने बताया है आपको, और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए, स्टेप डेविएशन के लिए, वो क्या है, यू आई निकालना है। और यू आई का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, डी आई बाई एच। तो डी आई ये निकला है और एच हमें पता है कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। डी आई 6 और एच कितना है, 2 है, तो -6 डिवाइड बाई 2, -3, ये -2 हो जाएगा, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, यही आएगा 2 से डिवाइड करके इस पूरे डी आई को। और अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। तो देखो एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई को यू आई से, तो 1 को मल्टीप्लाई करो -3 से, -3 आएगा, समझ में आ रहा है ना ये। और 2 को करो -2 से, तो -4 आएगा। 1 को करो -1 से, -1, 5 × 0 0, 6 × 1 6, और 2 × 2 4, एंड 3 × 3 9, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ पता चल गई हमें। ठीक, अब यहाँ पर समेशन है फॉर्मूले में, तो ऑब्वियस सी बात है इन सब का एडिशन होगा। एडिशन देखो कैसे, -3 -4 -7 -7 -1 -8, तो ये बन गया। फिर 0 को ऐड करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको ऐड करो, 6 + 4 10 10 + 9 19, तो +19, तो ±, साइन विच इज ग्रेटर, तो प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन होगा क्या, ये -19 में से 8 माइनस करो, कितना बनता है हमारे पास, 11, तो ये 11 आ गया प्लस का। अब कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। ए हमें पता है 7 है, एच हमें पता है कितना आया है, 2, और एफ आई यू आई का समेशन कितना है, 11 है, और समेशन ऑफ एफ आई इज 20, ये है। क्लियर, अब देखो ये 2 इससे कट जाएगा, 10, तो देखो 7 प्लस में 11/10 है, 11/10 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 1.1, तो कितना आ गया, ये 8.1 ही आ गया। तो देख लो स्टेप डेविएशन से भी मेन हमारा 8.1 आ रहा है। ठीक है, तो देख लो मेथड आप कोई भी यूज़ करोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मीन ही निकाल रहे हैं, मीन सेम ही होगा इनका प्लांट्स का। ठीक है, तो 8.1 मीन आ गया हमारा प्लांट्स का। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? अब क्वेश्चन ये था कि कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे मीन निकालने के लिए। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे, तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे, डायरेक्ट मेथड का। क्योंकि डायरेक्ट मेथड का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एफ आई और एक्स आई की वैल्यूज जो हैं ये बहुत ही स्मॉल हैं, तो नॉर्मल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अब मान लो यहाँ पर वैल्यूज ज़्यादा होती तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट होता, तो उससे बेटर होगा फिर आपका एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वैल्यूज छोटी हैं तो हमने डायरेक्ट मेथड हम यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि इसको स्टेप डेविएशन से ही करो तो स्टेप डेविएशन से ही करेंगे, अगर बोल दे एज्यूम्ड मीन से करना है तो एज्यूम्ड मीन से ही कर दें, करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरीके से अभी इस क्वेश्चन में पूछा कि कौन सा मेथड आप प्रेफर करोगे, तो इसमें छोटी वैल्यूज हैं एफ आई एक्स आई की, तो हमारे लिए बेटर यही है कि डायरेक्ट मेथड करें ताकि हमारा टाइम कम लगे। ठीक है, लेकिन इसी में ही टाइम ज़्यादा भी लग सकता है अगर ये एक्स आई वैल्यूज जो होंगी, एफ आई की वैल्यूज जो होंगी बहुत बड़ी होंगी, तो फिर बेटर रहेगा आपके लिए कि स्टेप डेविएशन मेथड करो, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटी वैल्यूज हो जाती हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यू आई जो होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और फिर ये भी नहीं अगर करना है तो एज्यूम्ड मीन भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, छोटी वैल्यूज है तो डायरेक्ट मेथड हम कर सकते हैं। ठीक है, अनलेस कि उसने बोला ना हो पर्टिकुलर कि यही मेथड से करो, अगर उसने बोल दिया किसी भी मेथड से करो, तो आपको सोचना है कि ये वाला प्रेफर करें या एज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई है कहानी?
ठीक है जी, कर लोगे। तो इसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चंस, इसी तरीके से हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बताओ समझ में आई है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।